राधे, जय कृष्णा। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल पैटर्न सीख लीजिए। ये पैटर्न मेरा जो है एक ही कार्ड से बनने वाला है, और यदि आपको ये पैटर्न आता है तो आपको 1000 से ज़्यादा बेनिफिट होने वाले है। आप चाहो तो पोंचो बना लीजिए, आप चाहो तो कैप बना लीजिए, आप चाहो तो बेबी के लिए जो फ्रॉक बना सकते हो। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए ब्यूटीफुल पैटर्न का जो है हम बाजू फ्रंट सीख लेते हैं, ये किस तरह से बनकर रेडी होता है। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं। ये अडल्ट के लिए, पहले वाली वीडियोस में मैंने जो है किड्स का बताया था, ठीक है? तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहले मेरी स्टेप बनेगी फर्स्ट टाइम में, फिर मैंने आपको कहा है कि इजी वे में ये जो है प्लेन होगा, बाद में ये स्टिच होता है, ठीक है? मैंने आपको ये 3 से 4 स्टेप में बता दिया है। अब चलिए मैं फ्रंट पल्ले और बाजू के फंदे क्लियर कर लेती हूँ ताकि आप इजी से बना सकते हो, ठीक है, अडल्ट के लिए। तो कार्ड मेरा यहाँ पर देखिए इस तरह का यूज़ होगा, ठीक है? एनी इंक्वायरी तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जो है कॉन्टेक्ट करना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने बाजू में कितने फंदे उठाने हैं, है ना? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ देखना है इस तरह से, ये जो निकला हुआ है ना, ये पोर्शन, ये हमारा जो है गुलाई वाला, ये बाजू के लिए आना चाहिए, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर हाफ हाफ करना है, ठीक है? यानी कि मैंने यहाँ पर देख लीजिए, मेरे फंदे जो यहाँ पर चढ़ेंगे 35 to 35, ठीक है? इस तरह से यहाँ मेरे फंदे आ गए इतने। अभी मैंने क्या करना है, सभी फंदों को 1x1 करके उठा लेना है, फिर मैं क्लियर करूँगी आपको कि कितनी रो लेनी है हमने, है ना? मैंने जो है 0 से राइट और लेफ्ट 35 35। अब मैंने क्या करना है, ना घटाना है, ठीक है? अब मैंने जस्ट यहाँ पर जो प्लान 90 रो लेनी है। कितनी? 90। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैं बॉर्डर के पास आऊँगी तो क्लियर कर रही हूँ कि मैंने आपको कहा कि बाजू में नहीं घटाना है। तो 70 फंदे के मैंने यहाँ पर जो है 50 रख लिए है, ठीक है? क्योंकि मेरा धागा जो है यहाँ देखिए रेनबो वाला है ना। तो चलिए इस तरह से बॉर्डर बना के क्लोज कर लीजिए, फिर मैं आपको पल्ले की नॉलेज दूँगी कि पल्ले में कितने फंदे चढ़ेंगे, ठीक है? मेरी ब्यूटीफुल आर्म इज़ रेडी। तो चलिए, दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब मैं आपको पल्लों की नॉलेज देने जा रही हूँ, ठीक है? बहुत सॉफ्ट स्मूथ बन के रेडी हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर 55 देख लेना है, ठीक है? 55 से आगे ही कर लीजिए आप। अब दोनों साइड में मेरे इक्वल्स आने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से मैंने 55 से आगे, ठीक है, इस तरह से सभी फंदों को चढ़ा लीजिए। यहाँ पर मैंने फंदे उठा दिए थे, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर पूरी, आप लेंथ बड़ी भी रख सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पर बेबी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, उसकी डिमांड के अनुसार ही मैंने रो लगाई हुई है। तो रो लगाई है मैंने यहाँ पर 80, ठीक है? और फंदे मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, जब ये बॉर्डर बनाना है ना, तब आपने राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से जो है 7 7 फंदों को जो है आपने कम करना है, और उसके बाद आपने इच्छा अनुसार जो है बॉर्डर बनाना है और पल्ले को क्लोज करना है। ऐसे दोनों पल्ले जो मेरे रेडी हो गए हैं, और स्टिचिंग का तरीका तो बहुत आसान है। अपनी पिछली कई वीडियोस में मैंने क्लियर कर लिया है कि इसकी स्टिचिंग एक बारी में ही आएगी, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट एंड साइड। चलिए बना लीजिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को। थैंक यू।